मैं लक्ष्य सोलंकी आपका डीएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ के एक जटिल सब्जेक्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज के आधार पर बनी हुई है। समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये लंब। आधार ये पूरी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर जो लंब है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। जो कर्ण है वो इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी हम जो फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कोस सेक का, टेन कोट का। अब देखो साइन बराबर क्या हो गया, जैसे कि हम टेबल से जान सकते हैं साइन बराबर 1/cosec। इसको हम समानुपाती भी लिख सकते हैं, जैसे साइन बराबर 1/cosec तो अब कोसेक क्या हो जाएगा? 1/sin। इसका दोनों को उल्टा है। अब कोस का देखते हैं, कोस बराबर 1/sec और सेक बराबर 1/cos। टेन बराबर 1/cot और कोट बराबर 1/tan। उसी प्रकार ये तीन दो फॉर्मूले कितने हो गए? तीन फॉर्मूले, छह फॉर्मूले हो गए। अब टेन बराबर एक और फॉर्मूला होता है, टेन बराबर 1/sin/cos। जैसे कि टेन बराबर क्या होता है? उल्टा 1/cot। तब कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो टेन का है वो उल्टा हो जाएगा। कोट बराबर 1/cos/sin। ये कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज है। और अब इसके बाद हम जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो भी एक इसका पूरा आधार है, अब वो जानेंगे। देखो बच्चों, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक,
वैसे तो सारे टीचर्स इसको रटवाते हैं, बट आज हम एकदम इजी वे में इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साइन 0 डिग्री के मान क्या होता है, हमको केवल ये जो एक लाइन है वो याद करनी पड़ेगी, उसके बाद एकदम देखते हैं कैसे आसान होती है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, मतलब हाफ हो गया। साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2। साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। अब कोस इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब वैसे उल्टा नहीं, ये जो 90 डिग्री मान है वो कोस का, साइन का जो 30 डिग्री मान है वो हो जाएगा कोस का 90 डिग्री का मान। अब इसको उल्टा कर देते हैं, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, 1/2 कोस 45 का मान, कोस 60 का मान 1/2, और कोट 90 डिग्री मान 0। अब देखो टेन का फॉर्मूला बताया मैंने पीछे, टेन बराबर साइन बटा कोस, तब साइन बटा कोस क्या हो गया, 0। और टेन 30 का मान 1/2 एंड अपॉन √3/2, तब 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। उसी प्रकार टेन 45 का मान √2 से √2 कैंसिल, क्या हो गया, 1। टेन 60 का मान 2 से 2 कैंसिल, √3। अब देखो कोई भी संख्या में संख्या के नीचे यदि 0 का भाग दिया जाए तो वो संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, तब उसको इनफाइनाइट लिखते हैं। 1/0 क्या होगा, जैसे हमने इसको उल्टा किया था उसी प्रकार इसको भी हम घुमा दें, कोट 90 का कोट 0 डिग्री मान, कोट 30 का मान क्या हो जाएगा, √3, कोट 45 का मान 1 ही होगा, कोट 60 का मान 1/√3। कोट 90 का मान 0 हो गया, ठीक है। अब सेक सेक बराबर फॉर्मूला क्या लिखा था, 1/cos, तब सेक बराबर कोस का मान जो भी है वो उल्टा हो जाएगा, एक है 1/1, एक ही होगा, ठीक है। सेक 30 का मान जो कोस का है वो उल्टा हो जाएगा, कोस का मान √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3। सेक 45 का मान 1/√2 है कोस का, तो इसका उल्टा √2। सेक 60 का मान जो कोस 60 का मान है उसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2, ठीक है। और 0 का मान ये उसका उल्टा होगा, तब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब कोसे का मान हमने पीछे देखा था, कोसे के बराबर 1/sin, तब कोसे का जो भी मान होगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, इनफाइनाइट। वैसे हम इसको घुमा भी सकते हैं, वैसे फॉर्मूले के बेस पर भी कर सकते हैं। साइन 30 का मान 1/2 है, तब कोसेक 30 का मान क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2, और कोसेक 45 का मान 1/√2 है,
इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रूट टू। कोसेक 60 का मान ज्ञात करने के लिए, कोसाइन 60 का मान क्या है, रूट तीन बट्टा टू, तो इसका उल्टा टू अपॉन रूट थ्री। वन का उल्टा वन होगा, तो बच्चों आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे और बेसिक टेबल देखी। आने वाली क्लासों में हम और बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके बताएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।